विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बांका के जिला अधिकारी वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जनपद में स्कूल हो या कॉलेज, चाहे निजी हो या सरकारी संस्थान, सभी जगह वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बांका जनपद के बबेरू अंतराकश्मीर रोड पर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानाचार्य की अगुवाई में स्कूल छात्र छात्राओं ने लगभग 250 वृक्ष लगाए व लोगों को वृक्ष लगाने की अपील की। साथ ही वृक्ष को मानव इंसान का एक महत्व हिस्सा बताया। बांदा जिलाधिकारी के निर्देशानुसार लगातार एक महीने से जिले में हर तरफ वृक्षारोपण किया जा रहा है। बीते दिनों जिलाधिकारी ने अधिकारियों को साथ लेकर शहर के नवाब टैंक, मेडिकल कॉलेज, स्कूल कॉलेज आदि में जाकर हजारों वृक्ष लगाए हैं। इतना ही नहीं, इस बार 15 अगस्त में स्कूल और कॉलेजों में प्रत्येक बच्चे को 5-5 वृक्ष भी बांटे गए। पेश है बांदा से अरबाज खान की एक खास रिपोर्ट। यहाँ पे सब जगह किया जा रहा है, हर विद्यालय में किया जा रहा है, तो इसके चलते हमारे विद्यालय में भी किया जा रहा है। और वृक्षारोपण करने की बहुत सारे लाभ है, जिससे यहाँ पे बीमारियाँ कम होती हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है, ज्यादातर शुद्ध वायु मिल रही है। वृक्षारोपण हमारे यहाँ पे काफी बच्चों ने किया, और हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, 12 एजी के छात्र हैं हम लोग, तो हम वृक्षों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं लगाने की तरफ। और हमारे स्कूल में भी बताया जाता है कि वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं। कुल कितने वृक्ष लगाए गए होंगे? हमारे स्कूल में 225 वृक्ष लगाए गए हैं। अच्छा, मैं कक्षा 12 एजी का छात्र हूँ। यहाँ पर सभी विद्यालयों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, इसीलिए हमारे विद्यालय में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे यहाँ 15 अगस्त को लगभग 250 वृक्ष लगाए गए सभी बच्चों के द्वारा और सभी अध्यापकों के द्वारा, उनके देखरेख में सभी कार्यक्रम हुआ। क्या अभी 15 अगस्त के बाद भी अभी तक वृक्षारोपण कराए जा रहे हैं? हाँ, अभी भी हो रहे हैं और पहले भी हो रहे थे। वृक्षों के द्वारा हम आजकल जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा ये प्रयास है कि वृक्ष लगाएं। अगर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे तो हमारा जीवन आगे संभव नहीं है, क्योंकि वृक्ष के द्वारा ही हम शुद्ध और अच्छी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इसके द्वारा मानव जीवन संभव है। पौधारोपण का लक्ष्य जो शासन के द्वारा निर्धारित किया गया था, तो सबसे पहले वो जुलाई माह में संपन्न हुआ। इसके बाद शासन द्वारा पुनः पौधे मिले लगभग 1100। उन 1100 पौधों को भी बच्चों के माध्यम से और लगवाया गया। यह विद्यालय वृक्षारोपण के प्रति अत्यंत जागरूक है, क्योंकि अगर वृक्ष हैं तो जीवन है, और वृक्ष नहीं है तो हमारा कल संकटमय होगा। इसलिए पौधारोपण हमने अभी तक भी जारी रखा है, और आगे भी प्रयास है कि अगर बारिश होती है तो अभी आगे भी कम से कम 10 दिन आगे भी चलवाएंगे। और बच्चों में पूरा उत्साह है, बच्चे पूरे उत्साह के साथ वृक्षारोपण किए हैं, और साथ ही साथ पूरा विद्यालय स्टाफ, यहाँ तक कि प्रबंध समिति भी वृक्षारोपण में हमारा पूरा सहयोग कर रही है, क्योंकि कुछ धन भी लगता है, उसमें प्रबंध समिति पूरा सहयोग।